आज की क्लास में तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स पढ़ेंगे। अब हमारे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हमने जो किए, हमने फ्यूज करा लिया। फ्यूज कराने के बाद कौन कौन से सेल्स जो हैं, कौन कौन से सेल्स हाइब्रिड हुए, मतलब कौन कौन से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होकर हाइब्रिड हुए, कौन कौन से नहीं हुए, किन में फ्यूजन हुआ किन में नहीं हुआ, ये चीज को हम लोगों को आप जानते हैं। लेकिन हम लोग ये करना है हम लोगों को कि हमको हाइब्रिड सेल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको काम किससे था, हाइब्रिड सेल से। हमने हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराया, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ताकि हम फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को यूज कर सके आगे के रीजनरेशन के लिए और नया प्लांट उगाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्ट करना सीखेंगे। पहले सेलेक्ट करना देखते हैं कि अगर हमारे जो हाइब्रिड सेल है उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे। इनमें जैसे मान लीजिए, जैसे एक डायग्राम मैंने आपको बनाया है, यहाँ पर मान लीजिए जो रेड वाले हैं, आप लोगों के जो रेड वाले हैं वो आपकी फ्यूज्ड सेल हैं, मतलब जो नए आपके बने हुए कोशिकाएं हैं वो आपके रेड वाले हैं। बाकी जो हैं आपके जो दूसरे कलर में दिख रहे हैं या फिर ज्वाइंट हुए दिख रहे हैं, वो आपके हाइब्रिड नहीं हुए। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे इसको, कि हम पता कैसे लगाएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो आपका हाइब्रिड जो सेल है वो कौन सा है, कौन सा वाला प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुआ है, इसको पता लगाना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो सबसे पहली बात तो ये, अबाउट 20 to 25% ऑफ द प्रोटोप्लास्ट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फ्यूजन। जितने आप प्रोटोप्लास्ट लेते हैं उनमें से केवल जो है 20% से लेकर 25% तक के ही प्रोटोप्लास्ट, 20 to 25% प्रोटोप्लास्ट जो है उतने ही प्रोटोप्लास्ट जो है आपके क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, बाकी के फ्यूज नहीं होते हैं। या तो वो नष्ट हो जाते हैं, या तो उनमें फ्यूजन किसी वजह से नहीं हो पाता है, या तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो 20 से 25% जो प्रोटोप्लास्ट हो वो एक्चुअली में अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन में। आफ्टर द फ्यूजन प्रोसेस द प्रोटोप्लास्ट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ हेटेरोजिनस मिक्सचर। अब इसमें से हेटेरोजिनस मिक्सचर हमको प्राप्त होगा। हेटेरोजिनस मिक्सचर मतलब इनमें आपके हेटेरोकैरियंस भी रहेंगे, आपके होमोकैरियंस भी रहेंगे। तो हेटेरोजिनस मिक्सचर मतलब हेटेरोजिनस मिश्रण जो है उससे तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत जो है आपका हेटेरोकैरियंस भी है और आपका होमोकैरियंस भी है। अब इसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन हमको प्राप्त हुआ है, हेटेरोजेनस मिक्सचर प्राप्त हुआ है, जिसमें हेटेरोकैरियंस होमोकैरियंस दोनों हैं। सेम सेम प्रजाति के भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड हुए वाले हैं और आपके जो अलग-अलग और अलग अलग प्रजाति के भी जो प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज हुए वाले हैं वो भी हैं आपके। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अब होमोकैरियंस हेटेरोकैरियंस दोनों हैं। अब दोनों हैं तो आप लोगों का सेलेक्ट करना और मुश्किल होता है कि अगर हमको सिर्फ होमोकैरियंस निकालने हैं तो कैसे करें, सिर्फ हेटेरोकैरियंस निकालें तो कैसे करें, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो फ्यूज्ड ही नहीं हुए। तो सेलेक्ट करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू सेलेक्ट द हाइब्रिड सेल्स हेटेरोकैरियंस, और हेटेरोकैरियंस से हमको मेनली काम होता है, हेटेरोकैरियंस से, क्योंकि ये दो अलग अलग प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट जो हैं उनका आपका क्या चीज है, मिक्सचर है, उनका फ्यूज्ड हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होता है। तो हेटेरोकैरियंस को सेलेक्ट करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉमन जो मेथड्स यूज होते हैं सेलेक्शन करने के लिए हाइब्रिड सेल्स के, वो होते हैं बायोकेमिकल मेथड होता है, विजुअल मेथड होता है, साइटोमेट्रिक मेथड होता है। इसे देखते हैं किस प्रकार से ये मेथड्स काम करते हैं। सबसे पहले है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में क्या बताया गया है, द बायोकेमिकल मेथड्स फॉर सेलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स इन द मीडियम। बायोकेमिकल मतलब जैव रसायन। अब बायोकेमिकल मेथड का नाम यूज किया गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, बायोकेमिकल्स यूज करेंगे, जैव रसायन यूज करेंगे। बायोकेमिकल्स के अंदर अंतर्गत आपकी बहुत सारी चीजें आती है। हमको ऐसा मीडिया बनाना होगा जिसमें हम लोग बायोकेमिकल्स का यूज करें, बायोकेमिकल्स को डालें जिससे हम हाइब्रिड सेल को सेलेक्ट करने के लिए यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्शन मीडियम बनाना होगा जिसमें आपके बायोकेमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो मिले होंगे।
ये जो कंपाउंड रहते हैं ये हमें हेल्प करते हैं उन चीजों को छांटने में, उन सेल्स को छांटने में, सॉर्ट आउट करना मतलब छांटना, सॉर्ट आउट करने में, छांटने में जो आपके हाइब्रिड हुए हैं उनको वो नहीं छांटते हैं, उन्हें वो अलग नहीं करते हैं जो हाइब्रिड नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ एक और चीज भी करते हैं, कुछ कुछ पेरेंटल सेल्स रहते हैं कई बार जो वैसे के वैसे रह जाते हैं, ना तो उनमें कुछ चीज जुड़ा रहता है, तब कई बार जुड़े रहते हैं कई बार नहीं, तो फिर उस कंडीशन में पेरेंटल सेल्स को भी वो अलग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं ये देखकर कि उनमें कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या। हमको टूटे फूटे भी सेल्स कुछ कुछ रहेंगे, कुछ पेरेंटल सेल्स भी रहेंगे, तो इन सबको सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक सेलेक्शन मीडियम बनाना होगा। सेलेक्शन मीडियम बनाने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना रहेगा, ये बायोकेमिकल मेथड है, सेलेक्शन मीडियम बनाएंगे जिसके लिए। और इस सेलेक्शन मीडियम में हम क्या यूज करेंगे, बायोकेमिकल्स का यूज करेंगे, जैव रसायन का यूज करेंगे, जैव रसायनों का। अब ड्रग सेंसिटिविटी एंड ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट सिलेक्शन मेथड्स, अब इसके अंतर्गत, इस बायोकेमिकल मेथड के अंतर्गत क्या क्या हम कर सकते हैं, हमको ये तो पता चल गया कि हम सिलेक्शन मीडियम एक बनाएंगे बायोकेमिकल्स का यूज करके, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसे क्या करेंगे ऐसा इसमें मीडियम के साथ या बायोकेमिकल्स के साथ, इसे देखते हैं। तो इसके भी कुछ कुछ तरीके हैं, तो इनमें जो सबसे पहला तरीका है वो है ड्रग सेंसिटिविटी। ड्रग सेंसिटिविटी को देखते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द सिलेक्शन हाइब्रिड ऑफ टू प्लांट स्पीशीज इफ वन ऑफ देम इज सेंसिटिव टू ड्रग। प्रोटोप्लास्ट ऑफ पिटूनिया हाइब्रिड स्पीशीज ने कैन फॉर्म माइक्रोस्कोपिक कैलस ऑन मिमस मीडियम। अब अगर हमने दो अलग अलग प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को लिया था, हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने के लिए, और हमने फ्यूजन करवा लिया, हमारा फ्यूजन हो भी गया, अब हमको ये देखना है कि दोनों प्लांट का मिलकर हाइब्रिड बना है या नहीं, या फिर सेम सेम का हो गया है। तो उस कंडीशन में चेक करने के लिए ड्रग सेंसिटिविटी मेथड होता है। इसमें एक मेथड बताई गई है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें पेटूनिया नाम का एक पौधा लिया गया है, पेटूनिया नाम के पौधे के जो है प्रोटोप्लास्ट को लिया गया है, पेटूनिया नाम के जो पौधा है उसके प्रोटोप्लास्ट को लेकर क्या किया गया है उसे देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट ऑफ पेटूनिया हाइब्रिड, पेटूनिया हाइब्रिड का प्रोटोप्लास्ट जो कि हमारा है ए, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा इसके साथ हमने क्या लिया है, ये जो पेटूनिया का प्रोटोप्लास्ट ए है इसमें क्या गुण पाया जा रहा है कि ये आपका कैन फॉर्म माइक्रोस्कोपिक कैलस ऑन एमएस मीडियम बट आर सेंसिटिव टू एक्टिनोमाइसिस डी। इन पे जो है एक्टिनोमाइसिन का, एंटीबायोटिक्स का, दवाई का बहुत असर होता है कि इन पे, ये जो प्रोटीनिया प्रोटोप्लास्ट का स्पीशीज ए है ठीक है, उन पे जो ये अपने एक्टिनोमाइसिन को लेकर जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास है पेटूनिया पेरोडी, पेटूनिया पेरोडी। अब ये जो पेटूनिया पेरोडी है ये क्या करती है देखते हैं, ये जो पेटूनिया पेरोडी है जो हमारा स्पीशीज नंबर बी है, दो स्पीशीज के अलग अलग प्रोटोप्लास्ट, एक पेटूनिया नॉर्मल पेटूनिया का और एक पेटूनिया पेरोडी का हमने ले लिया प्रोटोप्लास्ट को, एक ए है और एक हमारा बी है। ये जो पेटूनिया पेरोडी का प्रोटोप्लास्ट है वो छोटी छोटी कॉलोनीज बनाता है, लेकिन एक्टिनोमाइसिन जो हम हमारा एंटीबायोटिक है, एक्टिनोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, एक्टिनोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है इसका पेटूनिया पेरोडी पे असर नहीं होता है, लेकिन इसी एक्टिनोमाइसिन का नॉर्मल पेटूनिया पे असर बहुत ज्यादा होता है। पेटूनिया नॉर्मल वाले पे असर होगा एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक का, और पेटूनिया पेरोडी का जो है पेटूनिया पेरोडी पे असर नहीं होगा, वो इसके असर को रोक देता है, रेजिस्ट कर देता है ठीक है। किसका किसको, एक्टिनोमाइसिन को, एक्टिनोमाइसिन डी है और ये ना एक्टिनोमाइसिन डी। अब ये जो आपका स्पीशीज ए जो लिया है हम लोगों ने, ये माइक्रोस्कोपिक कैलस बनाते हैं अगर हम एमएस मीडियम यूज करते हैं तो, और ये जो पेटूनिया पेरोडी होते हैं ये छोटी छोटी कॉलोनीज बनाती हैं ठीक है।
लेकिन ये एक्टिनोमाइसिन को दूर करने के लिए जरूर दूर कर सकती है। ये एक्टिनोमाइसिन पे अपना अपने एक्टिनोमाइसिन का असर अपने पर नहीं होने देती है। अब हम देखते हैं होता क्या है। व्हेन दिस टू स्पीशीज आर फ्यूज्ड, द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट डिराइव बोथ द कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉलोनीज एंड रेजिस्टेंस टू एक्टिनोमाइसिन डी ऑन एमएस मीडिया। अब जब हम इन दोनों का फ्यूजन करा के मैं डायग्राम बना के बताती हूँ तो आपको समझ आ गया। ये है आपका ए जो नॉर्मल पेटूनिया है, ये है आपका बी जो पेटूनिया पेरोडी है। अब इन दोनों को मिलाकर जो आपका हेटरोकैरियन बना ए प्लस बी, जो आपका हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना। अब ये दो अलग अलग प्रजातियों से मिलकर बना है, मतलब कैसा हो गया, ये हेटरोकैरियंस कहलाएगा। अब अगर दो ए मिल जाए इसी में ही, तो वो होमोकैरियंस। अगर वहीं आपका दो बी मिल जाए तो वो भी होमोकैरियंस। ठीक है, शॉर्ट में मैंने होमो लिख दिया है। ठीक, अब आगे क्या होगा। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो ए है, जो कि नॉर्मल पेटूनिया है, इसके ऊपर जो एक्टिनोमाइसिन डी है हमारा, हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी का इस पे बहुत असर है, तो ये सेंसिटिव है। कौन, हमारा जो ए पे बहुत असर होता है, सेंसिटिव है ए, लेकिन बी जो है वो रेजिस्टेड है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इसका इसका जो है कोई असर नहीं होता है, एक्टिनोमाइसिन डी का बी पर कोई असर नहीं होता, ये रेजिस्टिव है उसके लिए। ठीक, अब ये जो ए है ये क्या करता है, मैक्रोस्कोपिक कैलस बनाता है। मैक्रोस्कोपिक कैलस, छोटे छोटे कैलस का निर्माण करता है। और जबकि जो आपका पेटिनिया पेरोडी जो बी है, ये क्या करता है, स्मॉल कॉलोनीज बनाता है, छोटी कॉलोनीज बनाता है। सिर्फ कॉलोनीज बनाएगा, प्रोटोप्लास्ट नहीं बना, ये आपका जो कैलस है उसको नहीं बना रहा है। ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों का मिलकर जो प्रोटोप्लास्ट बना हाइब्रिड वाला, जो हेटेरोकैरियंस कहला रहा है, उसके अंतर्गत दोनों के गुण जाएंगे। क्या दोनों के गुण, कि ये जो ए प्लस बी जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना, ये तो एक तो एक्टिनोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन का इन पे असर नहीं होगा, और दूसरा ये मैक्रोस्कोपिक कैलस भी बनाएंगे। तो एक कैरेक्टर इसका गया, दूसरा कैरेक्टर इसका गया, तो दोनों के कैरेक्टर का मिला जुला जो है कैरेक्टर वाला आपका क्या चीज बना, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, जो कि हेटेरोकैरियंस कहलाता है। और इससे हम लोगों को हेल्प होगी इसे सेलेक्ट करने में, क्योंकि जब हम प्रोटोप्लास्ट के साथ सेलेक्ट करने के लिए हम विभिन्न प्रयोग करके देखेंगे, एक्टिनोमाइसिन यूज करके देखेंगे। अगर वो एक्टिनोमाइसिन को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब ये हमारा हाइब्रिड वाला सेल है। अगर वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब ये फ्यूज हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को सेलेक्ट करते समय आसानी हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन एक चीज का याद रखना है, इसमें कौन सा मीडियम यूज किया गया है, एमएस मीडियम, क्योंकि एमएस मीडियम बहुत रिच मीडियम होता है और ये बायोकेमिकल यूज किए गए होते हैं इसमें। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द सेलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। द पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट ऑफ बोथ द स्पीशीज फेल टू ग्रो, प्रोटोप्लास्ट ऑफ पेटूनिया पेरोडी फॉर्म वेरी स्मॉल कॉलोनीज व्हाइल दैट ऑफ पेटूनिया हाइब्रिडा आर इनहिबिटेड टू एक्टिनोमाइसिन बाय एक्टिनोमाइसिन डी। तो
हम लोगों को फाइनली इस मेथड के जरिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। ये इसलिए बताया है एग्जाम्पल ताकि आपको पता चले कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। हम लोग को फीचर देखना है कि किस फीचर को वो चीज रखा है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा मेरी बॉडी का प्रोटोप्लास्ट, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी बॉडी का प्रोटोप्लास्ट और आरती की बॉडी का प्रोटोप्लास्ट, दोनों को हमको फ्यूज करवाना है। आरती और मेरी बॉडी के प्रोटोप्लास्ट को आपने फ्यूज कराया, आरती और मेरे में क्या क्या फीचर है पहले आप देखेंगे। क्या देख सकते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ किस चीज को लेकर, दवाइयों को लेकर। आरती लेकिन सेंसिटिव नहीं है, वो दवाइयों के असर को रोक देती है। ठीक है, तो हाँ, आपने दोनों के ही जो प्रोटोप्लास्ट है उसको फ्यूज करा के नया हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया, जिसमें मेरे भी गुण हैं और उसके भी गुण हैं। मेरा एक जो नेगेटिव था वो ये था कि मैं बहुत सेंसिटिव थी, मैं मुझ पे बहुत असर होता था दवाइयों का, लेकिन मैं कह सकते मेरा जो है माइक्रोस्कोपिक कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे प्रोटोप्लास्ट में, और उसके में स्मॉल कॉलोनीज का, तो मेरा भी एक गुण चले गया और उसका भी गुण चले गया। यही बताया गया, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों का गुण गया है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट में, हेटरोकैरियंस बना है जो नया, उसमें जिसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप हो गया, मतलब एक्टिनोमाइसिन डी का असर भी नहीं हो रहा है और ये माइक्रोस्कोपिक कैलस का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो दोनों का चीज, दोनों चीज वो हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम जब सेलेक्ट करने वाले होंगे तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी करेक्टर को यूज करेंगे, एंटी एक्टिनोमाइसिन यूज करेंगे। एक्टिनोमाइसिन को अगर वो रेजिस्ट करेगा, असर नहीं होगा, तो मतलब हाँ ये हमारा हाइब्रिड वाला प्रोटोप्लास्ट है जो हेटरोकैरियंस बना। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिसमें ड्रग सेंसिटिविटी को देखते हुए, ड्रग सेंसिटिविटी वर्ड यूज इसलिए किया गया है, ड्रग मतलब दवाई होती है, ड्रग यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, और ये एक्टिनोमाइसिन डी। ड्रग सेंसिटिविटी टेक्निक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय पावर एट अल इन 1976। ये जो टेक्निक थी ड्रग सेंसिटिविटी की, कि इसके जरिए हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो सेल्स होते हैं हाइब्रिड सेल्स उसको, उसे सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पावर नाम के साइंटिस्ट ने, पावर और उनके जो साथ में सहयोगी थे, इन्होंने कब किया था, 1976 में सबसे पहले ओरिजिनली इसे डेवलप किया था, ताकि पेटूनिया स्पीशीज का एग्जाम्पल देके इन्होंने बताया पेटूनिया स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ए सिमिलर प्रोसीजर इज इन यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द अदर सोमैटिक हाइब्रिड्स। इसके अलावा जो है, और ड्रग सेंसिटिविटी वाला देख लिए हम लोग कि ड्रग सेंसिटिविटी मतलब जो दवाइयों को लेकर सेंसिटिव है उसमें कैसे होता है। इसके अलावा जो है, दवाइयों को लेकर सेंसिटिविटी होने के साथ साथ एक और मेथड भी है, जो दूसरा मेथड है। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा ड्रग सेंसिटिविटी, दूसरा मेथड है आप लोगों का ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट। ये ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है। अब ये ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट क्या है इसे देखते हैं, इस मेथड का कैसे यूज करते हैं। ऑक्सोट्रॉफ्स आर म्यूटेंट्स दैट कैन नॉट ग्रो ऑन ए मिनिमल मीडियम एंड देयर फॉर रिक्वायर स्पेसिफिक कंपाउंड्स टू बी एडेड टू द मीडियम। ये जो ऑक्सोट्रॉफ्स होते हैं, ये जो ऑक्सोट्रॉफ्स होते हैं ये म्यूटेंट होते हैं, जो म्यूटेट हुए रहते हैं उन्हें म्यूटेंट बोलते हैं, म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये म्यूटेंट होते हैं और इन म्यूटेंट में एक चीज होती है जो इनका फीचर है कि ये मिनिमल मीडियम मतलब नॉर्मली न्यूट्रिशन से बना हुआ मीडियम जो रहता है उनमें ये जो है ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए फिर जो हमें जो मीडियम चाहिए रहता है उसमें स्पेसिफिकली रिक्वायर होते हैं कुछ कंपाउंड्स, जैसे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। कई लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये चीज नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ यही चीज खाता हूँ, वो वाला जो कंडीशन है यहाँ हुआ है। कैसे, क्योंकि ये जो है मिनिमल मीडियम, जो नॉर्मल मीडियम होते हैं नॉर्मली जिसमें डले होती हैं सब चीजें, उसमें ये ग्रो नहीं करता है। ये
किसमें ग्रो करता है, स्पेसिफिक कंपाउंड्स को अगर हम ऐड कर देंगे हमारे मीडियम के अंतर्गत, जो हमने मीडियम यूज किया है इसके अंतर्गत अगर आपने स्पेसिफिकली उन चीजों को डाला, स्पेसिफिक हमने किस चीज को डालेंगे, हमने हम डाल रहे हैं उन कंपाउंड्स को, स्पेसिफिक कंपाउंड्स को जिसकी जरूरत होती है, इसे स्पेसिफिक कंपाउंड को अगर हम मीडिया में डाल दिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन मिनिमल मीडिया, नॉर्मली मीडिया में ये ग्रो नहीं होता है, इसके लिए स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसको ऐड करना मीडियम में आवश्यक होता है। नाइट्रेट रिडक्टस डिफिशियंट म्यूटेंट्स ऑफ टोबैको आर नोन। जैसे कि एक टोबैको का, आप लोगों का एक किस्म है टोबैको की, पौधे की, नाइट्रेट रिडक्टेज एंटोबैकम जिसे बोलते हैं हम लोग, एंटोबैकम या फिर टोबैको। नाइट्रेट रिडक्टेज डिफिशियंट म्यूटेंट्स ऑफ टोबैको आर नोन। अब यहाँ पर जो है कौन सा म्यूटेंट हमारे पास है, इस चीज को पहले देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो म्यूटेंट का नाम लिया गया है किताब में, वो है आपका नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है हमको कहाँ से मिला है? नाइट्रेट रिडक्टेज तो एक तो प्रोटोप्लास्ट है, लेकिन ये आया कहाँ से है? टोबैको से, टोबैको का ही प्रोटोप्लास्ट है वो, ठीक है। टोबैको का प्रोटोप्लास्ट नाइट्रेट रिडक्टेज, इसे हम यूज कर रहे हैं। ये जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है अपनी चीजों को लेकर, मतलब ये क्या है, मिनिमल मीडियम में ये ग्रो नहीं कर पाता है। इसके लिए, इसको ग्रो करवाने के लिए हमको मीडियम में जो है स्पेसिफिक चीजों को, स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ऐड करना होता है। तो हमने यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज का एग्जांपल लिया, जो कि डेफिशिएंट म्यूटेंट होता है ऑफ टोबैको। द पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट ऑफ सच स्पीशीज कैन नॉट ग्रो विथ नाइट्रेट। लेकिन जो इनके पेरेंट्स थे वो नाइट्रेट रहने पर ये ग्रो नहीं कर पाते थे, ठीक है। नाइट्रेट की उपस्थिति में इनके जो पेरेंट्स थे वो ग्रो नहीं कर पाते थे, लेकिन ये ऐसे बने कि इनपे नाइट्रेट रहने पर भी इन पे कोई असर नहीं पहुंचता था, ये प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए। नाइट्रेट है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जो इनके पेरेंट्स थे उनके लिए प्रॉब्लम था। फिर देखते हैं क्या हुआ। द पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट ऑफ सच स्पीशीज कैन नॉट ग्रो विथ नाइट्रेट एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, वाइल द हाइब्रिड्स कैन ग्रो। इनके जो पेरेंट्स थे वो नाइट्रेट के साथ, मतलब नाइट्रोजन के साथ ग्रो नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग आए, जो हाइब्रिड बने, जिन्हें हम नाइट्रेट रिडक्टर्स, मतलब टोबैको, जो नॉर्मल टोबैको एंड टोबैकम को हमने लिया था हाइब्रिड बनाने के लिए, तो एंड टोबैकम जो है नाइट्रोजन के साथ ग्रो नहीं कर सकता था, लेकिन इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो नाइट्रेट रिडक्टेज कहलाता है, वो इसलिए क्योंकि इनके पेरेंट्स के ऊपर जिस चीज का बहुत असर होता था, नाइट्रोजन में ये नहीं कर पाते थे ग्रो, वो नाइट्रोजन में ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। टू स्पीशीज ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज डिफिशियंसीज, वन ड्यू टू लैक ऑफ एपोएंजाइम एंड द अदर ड्यू टू लैक ऑफ मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। एक मिनट, यहाँ पर ना कुछ कुछ कंफ्यूजन है जो थोड़ा सा मुझे क्लियर करना रहेगा, तो मैं ये जो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को, आज की क्लास में यही खत्म कर रही हूँ। जितना मैंने बताया सबको क्लियर हुआ है बेटा? बाकी क्लियर है? जल्दी बताइए बच्चे लोग। यस मैम, मैम ये ऑक्सोट्रॉपिक बायोकेमिकल मेथड के अंदर ही है ना? हाँ, बायोकेमिकल मेथड के अंतर्गत ही है, ओके मैम, ठीक है।